हेलो एवरीवन, जब भी आपको कुछ चटपटा और झटपट बन जाए, ऐसा कुछ नाश्ता खाने का मन है तो ये रेसिपी आपके लिए है। सिर्फ एक कप पोहे से बनने वाला ये मज़ेदार सा नाश्ता आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, या फिर शाम के टाइम में या सुबह में आपको नाश्ते में भी ये बना के एंजॉय कर सकते हो। और शादी और पार्टी वाला ये स्नैक्स है, तो आप जब भी घर में कोई गेस्ट आए या फिर पार्टी है तो स्टार्टर के रूप में भी ये बना के एंजॉय कर सकते हो। और इसको बनाना एकदम सिंपल है, झटपट से बन जाता है। 10 से 15 मिनट में आप ये नाश्ता बना के तैयार कर सकोगे, बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम हेल्दी टेस्टी पोहे से बनने वाला नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप पोहा लिया है, तो पोहा कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जो भी वेराइटी का आपके पास है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे, पोहे को 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी डस्ट होगा तो निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि पोहा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि पोहा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और सॉफ्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, पोहे को अच्छे से हाथों से इस तरह से मसल देंगे। तो आपको ऐसा लगे कि इस टाइम पे पोहा ज़्यादा गीला हो गया है या फिर ज़्यादा ड्राई हो गया है, ड्राई हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और स्प्रिंकल करके इसको मैश कर सकते हो इस तरह से। तो इसको एकदम सॉफ्ट मैश करके बना लेना है। तो आप देख सकते हो हमने अच्छे से इसको मसल लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आलू को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है छिलके हटा के। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और 1 कैरेट को मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे ग्रीन चिली, गिंजर और गार्लिक की पेस्ट डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ी सी हींग डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे आमचूर पाउडर डालेंगे। आमचूर के जगह आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेमन जूस डालने से क्या होगा कि ये ज़्यादा गीला हो जाएगा और एकदम चिपचिपा नाश्ता बनेगा, क्योंकि हम इसमें आलू का भी यूज़ कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको ध्यान ये रखना है कि आलू को हमें ठंडा करके ही यूज़ करना है। गर्म गर्म आलू इसमें आप यूज़ करोगे तो कटलेट्स हमारी एकदम गीली बनेगी और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए इसमें आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा आपको इसमें पोहा भी गीला नहीं लेना है और आलू भी एकदम गरम गरम यूज़ नहीं करना है। और ऐसा हो जाए कि आटा आपका थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको सेट कर सकते हो। आपको लगे कि पोहा हमारा ज़्यादा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि सारा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से इसकी टिक्की तैयार कर लेंगे। तो टिक्की की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हो और आप इसमें बहुत सारे और वेजिटेबल इसमें डाल सकते हो। आपको जो भी पसंद है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, फिर पालक है, आपको जो भी पसंद है आप इसमें डाल के बना सकते हो। आपकी चॉइस है कि आपको इसको कितना हेल्दी बनाना है, उस हिसाब से आप इसमें वेजेस यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने टिक्की तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कोटिंग के लिए थोड़े से वाइट तिल का यूज़ किया है। एक बार इस तरह से वाइट तिल डाल के टिक्की तैयार करके ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से तिल का कोटिंग करके इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो अब देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी पोहे की टिक्की बनके रेडी हो गई है। और बच्चों को, आपको चीज़ पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा अंदर चीज़ भी स्टफ़ करके इसकी टिक्की बना सकते हो, तो बच्चों को और भी टेस्टी लगेगा। आप इसमें चिली फ्लेक, ओरिगानो भी डाल सकते हो। आपको जो भी इसमें डालना है वो डाल के आप इस बार इस
टिक्की बनाना बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसी तरह से हम सारी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिखने में भी लग रही है, उतने ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब क्या करेंगे, मैं इसको बिना फ्राई के बना रही हूँ, तो इसको तवे पे, तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और सारी टिक्की एक बार में ही एक साथ में सिकने के लिए रख देंगे। तो आपका तवा छोटा है तो आप 2 बैच में या फिर 3 बैच में भी इसको रोस्ट कर सकते हो, या एक साथ में करना है तो एक साथ में भी कर सकते हो। इस तरह से सारी टिक्की मैंने पैन में तवे पे रख दी है। अब क्या करेंगे, इसको उलट पुलट करके अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप 2-3 बार इसको उलट पुलट कर सेक लोगे तो क्या होगा कि तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। इस तरह से आप टिक्की बनाओगे तो हमें इसको उलट पुलट करके अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी टिक्की रोस्ट होके तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम सारी टिक्की को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये टिक्की आप कोई भी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनती है। और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको दे सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगी और बच्चों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी ऐसी पोहे से बनने वाली टिक्की बनके तैयार हो गई है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।